एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो साइंस। आज है हमारे पास स्पॉट जीरो सुपर सफाई एलिगेंट स्पिन मॉप। इसकी प्राइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर है 2399 रुपए। ब्रांड है हमारे पास मिल्टन, और आप देख सकते हैं ये कुछ कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग में आपके घर पर आएगा। ये आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएगा। ऑनलाइन ये आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जितनी प्राइस लिखी है उतने में नहीं मिलता है। फटाफट से देख लेते हैं, इसकी पैकेजिंग काफी अच्छे से की गई है। फटाफट से इसे ओपन करते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक रैप में ये कवर होकर आएगा। तो यदि आप एक बैचलर हैं तो भी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, यदि आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं इसमें हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले मिली है ये हमारे पास रोड, इसे कैसे अटैच करना है वो भी हम आपको बताएंगे, प्लस इसे कैसे यूज करना है, चलाना कैसे है, कैसे सफाई करेंगे, सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फटाफट से पहले इसका जो पॉलीथीन है वो उतार लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी प्लस इसका कलर गजब। इसकी क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई, काफी बढ़िया क्वालिटी का ये जो प्लास्टिक है वो काफी बढ़िया क्वालिटी का है, काफी मतलब एकदम मजबूत है ये। इसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। बिग थम्स अप फॉर दिस। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस प्रकार का है, काफी स्टाइलिश सा इसका लुक है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं पहिए, जिससे आप इस बाल्टी में आप पानी डालेंगे तो आराम से इसे खींच सकते हैं। यहाँ से आप पानी निकाल सकते हैं, इस बाल्टी में जो भी पानी भरा हुआ है उस पानी को आप निकाल सकते हैं। सिंपल, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब देख लीजिए इसकी पूरी की पूरी साइड्स किस प्रकार की है। डेली यूज के लिए बेस्ट रहेगा, काफी अच्छे से हमारी घर की सफाई हो जाएगी। बिग थम्स अप फॉर दिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस प्रकार का हैंडल मिल जाता है, जिससे आप आराम से इस बाल्टी को सरका सकते हैं। क्योंकि इसमें पहिए लगे हुए हैं तो इसमें जब हम बाल्टी में पानी डालेंगे तो हमें ज्यादा भार महसूस नहीं होगा। तो यदि किसी कमर वगैरह दुखती है तो ये इसके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ज्यादा आपको बाल्टी उठानी नहीं पड़ेगी, पानी भरी हुई बाल्टी उठानी नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर आपको दो मॉप मिल जाते हैं, तो यानी कि आपका एक मॉप खराब हो गया तो आप दूसरा मॉप खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दो मॉप आपके लगभग एक साल तक तो चली जाएंगे, यदि आपके घर में नॉर्मल हम ज्यादा मिट्टी वगैरह नहीं आती, ज्यादा बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं आती, नॉर्मल हम सफाई करते हैं वैसे सफाई करनी है तो एक साल तो बिल्कुल चल जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये आती है इस प्रकार की बॉटल, इसमें आप लाइजोल जो भी आपको पसंद हो लिक्विड भर सकते हैं। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, जो हमारे पास इसमें मॉप दिए गए हैं कौन सी कैसी अच्छी सी क्वालिटी है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के हमें दो मॉप दिए गए हैं, यानी कि एक खराब हो जाए तो दूसरा ले सकते हैं, या एक घर के अंदर के लिए यूज कर लीजिए, या एक घर के बाहर के लिए जो हमारे पास आंगन वगैरह होता है उसको सफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कुछ इस प्रकार की है, काफी सॉफ्ट लग रहा है जब हम हाथ में इसको छू रहे हैं, काफी मजबूत भी है। इससे कैसे अटैच करना है हैंडल में वो हम अब आपको बता देते हैं फटाफट से। तो चलिए देखते हैं हमें और क्या क्या मिला है। एक और ही हमें मॉप मिला है। नेक्स्ट हमें देखिए इस प्रकार का मिला है स्टैंड, जिसमें हम ये मॉप लगाएंगे, जो भी आप इसे बोल सकते हैं। इसकी भी हम कर देते हैं थोड़ी सी अनबॉक्सिंग, यानी कि रैप ही हटाना है और तो हम कर ही क्या सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, घर में आपके काफी काम आने वाला है, एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर वीडियो। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का स्टैंड है, इसमें हम मॉप को लगाएंगे, कैसे लगाना है अभी आपको बता देंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रोड दी गई है उसको अटैच करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको एकदम नीचे, हम बेड के नीचे भी एकदम इससे सफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मुड़ जाता है, आप देख सकते हैं। कैसे मोड़ना है अभी आपको बता देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, मतलब मजबूत क्वालिटी है, आसानी से ये टूटने वाला नहीं है, बहुत ही जोर से फेंकेंगे ऊपर छत से तो ही टूटेगा, ऐसे छत से फेंकना ही क्यों है। ये आप बॉटल इसमें यहां पर रख देंगे, इसमें आप कोई भी लिक्विड वॉश लाइजोर वगैरह होता है जिससे हम फर्श साफ करते हैं, फिनाइल वगैरह, वो डाल सकते हैं। ये हमें मिलती है रॉड, सो रॉड भी हमें काफी बढ़िया क्वालिटी की मिल रही है। यहां पर बढ़िया क्वालिटी का मिल नहीं है, क्योंकि ब्रांड है हमारे पास मिल्टन, और मिल्टन की सभी चीजें काफी अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं ये हमें मिल जाती है रॉड, इससे हमें कैसे अटैच करना है भी आपको फटाफट से बता देते हैं। जितने में आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए आपको इसे कैसे अटैच करना है, क्योंकि आपको इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है कि इसे कैसे अटैच करना है।
तो आपको स्टील वाली रोड को इस आसमानी कलर वाली जो हमारे पास है रोड उसमें डाल देना है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास स्टील वाली रोड है वो उसकी हाइट हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको मान लीजिए इतनी ही हाइट रखनी है तो ये जो हमारे पास बटन दिया गया है इसको आप इस प्रकार बंद कर देंगे तो आपकी हाइट यहीं पर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब जब इसको ओपन करेंगे तो मान लीजिए हमें इतनी हाइट चाहिए और फिर वापस बंद करेंगे तो उतनी ही हाइट आपकी फिक्स हो जाएगी। मान लीजिए हमें इतनी हाइट फिक्स करनी है तो इस बटन को बंद कर देंगे तो यहाँ पर इतनी ही हाइट फिक्स हो जाएगी हमारी रॉड की। फिर आपको इस रॉड को जो हमारे पास मॉप वाला सेक्शन है उसमें इस प्रकार डाल देना है, मॉप वाला जो स्टैंड है। फिर आपको जो हमारे पास मॉप को इस प्रकार रखना है उसके ऊपर इस स्टैंड को इस प्रकार रखना है और जोर से प्रेस करना है। वैसे लोग पैरों से कर रहे हैं लेकिन हम थोड़ा सा हाथ से आपको करके बता रहे हैं, थोड़ा सा जोर से दबाना है और ये अटैच हो जाएगा आराम से। तो ये हमारा पोचा अब बिल्कुल रेडी है यूज करने के लिए। अब बस हमें चाहिए बाल्टी में पानी और बस पोचा लगा दीजिए। इस पोचे का मुझे सबसे बड़ा और बेस्ट फायदा क्या रहता है कि इससे पोछा थोड़ा जल्दी लगता है। जब हम हाथ बैठकर हाथ से पोछा लगाते हैं तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, तो इस पोचे से हमारे क्या होता है जो आधे घंटे का काम होता है वो 15 मिनट में हो जाता है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूं इसलिए आपको बता सकती हूँ। तो जो हमारा आधे घंटे का काम है वो इससे हमारा 15 मिनट में हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पानी डालना है, फिर आपको डाल लेना है इसमें लाइजोल। एज्यूम कर लीजिए कि इसमें यहाँ पर हमने पानी डाला है, फिर इसमें आपको रॉड डालनी है, ये जो बटन है आपको उसको खोल देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो बटन है उसको हमने खोल दिया है। फिर आपको इस प्रकार अपने मॉप की रोड को ऊपर करना है और फिर नीचे करना है, जिससे ये जो हमारा मॉप है वो घूम जाएगा, यानी कि इसमें जो गंदगी वगैरह होती है वो सारी निकल जाएगी। ओके, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये बटन आपको खोल कर रखना है। पोचा इससे अच्छा ही लगता है, आप देख सकते हैं क्वालिटी काफी बेस्ट है। तो फिर यहाँ पर आप अपने पोचे को निचोड़ेंगे, आपको बटन अभी भी खुला रखना है, ये जो बटन है उसको आपको खुला रखना है। ठीक है, वैसे ये जब गीला होगा तो ये सूखड़ जाएगा, है ना, थोड़ा सूखड़ जाएगा ये, अभी ये थोड़ा फैला फैला सा लग रहा है हमारा जो मॉप है। ठीक है, तो ये आराम से अच्छे से निचोड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आप इसको निचोड़ लेंगे। ठीक है, फिर आराम से पोचा कैसे लगाना है, पोचे को वापस बाहर निकाल के ये जो बटन है आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी भी हम ये निचोड़ ही रहे हैं, बस भाई जी इतना बहुत है, पूरे साल का एक दिन में थोड़ी निचोड़ना है, अब बंद कर दीजिए। तो इस बटन को आप बंद कर देंगे, फिर आप नीचे पोचा लगाएंगे इस प्रकार, बस आराम से पोचा लगाइए और घर को रखिए साफ साफ। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, कमेंट करें आपको कोई डाउट हो तो, एंड सब्सक्राइब टू टेक्नो साइंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय टेक्नो साइंस, थैंक यू।